चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। वादे तो ये बड़े बड़े कर रहे हैं, कह रहे भाई किसान खुशहाल और किसान की आमदनी दुगनी होगी, कहीं आमदनी दुगनी नहीं हुई। नहीं तो ये मीटर पैड का एससी ऑफिस में भरने का हम लोग काम करेंगे। खास पैसे बढ़े, ढाई पैसे बढ़े, बिजली पैसे बढ़े, गन्ने के लिए पैसे बढ़े। आध घंटा हो लिया, जहाँ से कोई मिलेगा वहाँ मिल लगा, वहाँ हम तो चल रहे, चलो तो ठीक है। हाथ पैर बांध का घोड़ा लाठी दे दो जो अधिकारी परेशान करे। और सुनो भाई, कोई कहे भूस बढ़ता, कोई कहे तेल घेर देंगे, और भूस भी महंगा हो रहा, तेल भी महंगा हो रहा, पत्ती भर देंगे, गोबर भर देंगे, कूड़ा भर देंगे, कूड़ा जो इसका चरथावल का न्याय पंचायत का कूड़ा हम भरेंगे, वो फ्री का। वो आप जाओ फसलों का आपको बता 1200 रुपए बीघा मुआवजा जा दे रहे, क्या हो 1200 रुपए हो बताओ, इतना तो खर्चा आ जाएगा किसान का, कम से कम 10,000 रुपए कम से कम किसान को मुआवजा मिला। क्या बिजली की समस्या हो, हमने देखा विकास भाई यहाँ पानी में खड़े होगा, लोहा जी समस्या दिखाई लोगों की, क्या समस्या, कितना दुखी किसान है यहाँ की। तो इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो वो किसान है। वादे तो ये बड़े बड़े कर रहे हैं, कह रहे भाई किसान खुशहाल और किसान की आमदनी दुगनी होगी, कहीं आमदनी दुगनी नहीं हुई। आज जो है यहाँ पे किसानों की एक महापंचायत हो रही है, तो ये क्यों आज किसानों को लगा कि महापंचायत? ये यहाँ लोकल की समस्याएं हैं क्षेत्र की। अभी हिंडन नदी में करीब 10 दिन पानी चला, जो बाढ़ आई उससे किसानों की फसलें बर्बाद होगी, और इतनी फसलें बर्बाद हुई कि पूरा ही चौपट हो गया, ना चारा रहा, ना गन्ने की फसल रही, ना और फसल रही, सब खत्म होगी। उस मेन मुद्दा उसके मुआवजे को लेकर, हमें उसका मुआवजा चाहिए 10,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से। ये 2.5 मीटर बिजली काट रहा, रीडिंग काट रहा कि किसान उसके उसे भरने में असमर्थ है, यह तो बिजली विभाग सुधर जा, इसे 2.5 मीटर को ठीक कर ले, नहीं तो ये मीटर पैड का एससी ऑफिस में भरने का हम लोग काम करेंगे। कहूंगा कि साथियों, जात बिरादरियों को त्याग कर हमें सबको पापा की सरकार जो आई है, अब जाकर गन्ने निकट जा बीघे में 18,000 का, 15,000 का, और जो गन्ना बेकार हो गया नदी आई, जहाँ भी कहीं आई, या मुआवजा जरिए 1200 रुपये बीघा, 1200 बीज पट जा बीघे में 1500 का, 1200 का, क्या 1200 में काम चल जाएगा? हैं, जब सरकार किसान की हितैषी है तो 1200 क्या तरीका है 1200 देने का? हम यह कह रहे कि सरकार ने बिल बढ़ते जा रहे दिन पर दिन, गन्ना भाव क्यों बढ़ा दिया? जब खास पैसे बढ़े, ढाई पैसे बढ़ रहे, बिजली पैसे बढ़ रहे, गन्ने के लिए पैसे बढ़ रहे। भाई हमारे गांव का एक पुल टूट रहा है, सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, हजारों किसान जो परेशान है बहुत ज्यादा। लेकिन लगातार देखा जा रहा है हाईवे तो दबा के बन रहे हैं इधर किसानों के, तो हाईवे तो बन रहे गांव, विकास तो हो रहा है ना? अजी विकास गांव में तो नहीं हो रहा है, हाईवे तो कर रहे हैं, इन्हें टैक्स चाहिए हाईवे का। किसानों को किस तरीके से फायदा हो रहा है इस सरकार में? कोई फायदा नहीं हो रहा है किसानों, फसल का नुकसान हो रहा है, आवारा जानवर फिर रहे, उनका नुकसान हो रहा है। हम बिजली फ्री देंगे, बहुत कम रेट पर देंगे, कैसा ना लगे? किसान उसमें भी घूम रहा हो कि बात ठीक है, हद हो जाएगी, गन्ने का रेट हो जाएगा, बिजली वो मिल जाएगी। एक हिंदू ने एक घोर वो कर दिया था, जो थारे मन में है वो मारे मन में है, उसमें लोगों को देख क्या बात, मुसलमानों का भी सफा कर देगा मोदी बा, हद हो जाएगी, 3-4 वो है सब हो जाएगा, काम फिट हो जाएगा, वाह वाह हो जाएगी। बहुत धोखा हो गया आप लोगों के साथ में, ये छोड़ने के नहीं, जीव तो इन्होंने बड़े तरीके से सरकार बना ली, इब जो इन्होंने बेईमाना इस्तेमाल कर लिया, पर इन किसानों की जो किसानों की हा है, किसानों की वो है, जो किसान आंख मीच का भरोसा कर रहे लोगों पे, इन्हें क्या जवाब दोगे भाई?
फिर भी हम आप लोगों को यह कहे भाई आध घंटा भी होतू हो लिया आध घंटा हो लिया, जहां से कोई मिलेगा वहां मिल लगा वहां हम तो चल रहे चलो तो बात ठीक है। चल तू भी।